अगर ये सही टाइम पर उचित समय पर कार्रवाई कर देते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। FIR उनकी दर्ज कर लेते, कार्रवाई का आश्वासन दे देते, पब्लिक जो है नहीं भड़कती। आज भी जहीराबाद में गौकशी का मामला आज भी सामने आया है और कल भी आया, जो हमारा गांव ऊपर का नया आवास उसके पीछे गाय के अवशेष अंग मिले, मीच मिला है। तो लगता है कोई साजिश कर रहा है जिले को आग में झोंकने की। अब साजिश यह किसी ना किसी की, तो इतने बड़े मीच जहाँ मिल रही है और पुलिस प्रशासन जो है कान दबाए बैठा है, उसके कान पे जूना रह गई, ये कहाँ से आ रहा है। और जितने ये गाय काटी 40 या 50, वो मीट कहाँ गया, अभी तक प्रशासन ने ये कोई क्लियर करके नहीं दिया। आपको क्या जानकारी है कहाँ गया? हमें कोई जानकारी नहीं है, ये तो प्रशासन निकाला है, कहाँ गया, कहाँ सप्लाई हो, ये कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा जो इनका इस्तेमाल चल रहा हो सके उसमें के ये दबी डाल रहे हैं, जिसमें जो निर्दोष महिला उनके साथ में मारपीट करी है, एक महिला के साथ इतनी मारपीट करी है कि वो मेरठ में जाके एडमिट है, बूढ़े ने डंडा बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने बजा रहे हैं, कई मकान उनके इन्होंने तोड़ फोड़ करी है। जो इनका ये दमनकारी रवैया है पुलिस का वो ठीक नहीं है, जनता को परेशान कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों का जो उच्च पद पर उच्च अधिकारी हैं बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन सब बातों को ये मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा कि ये कानून व्यवस्था में